कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता की हत्या से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रवीण नेत्रू नाम का ये कार्यकर्ता मीट की दुकान चलाता था, लेकिन एक दिन पहले उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जिन पर पुलिस वालों को सख्ती दिखानी पड़ी। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाई और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील की गाड़ी को बीच रास्ते में घेर लिया। वो उनकी गाड़ी को खिलौने की तरह हिलाते दिखाई दिए। कुछ इसी तरह के हालात पुत्तूर में जिला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर देर रात बन गए। कई हिंदूवादी संगठनों के कुछ कार्यकर्ता वहां जुड़ गए और प्रवीण नेत्रू को इंसाफ दिलाने की मांग की। इस खबर के आग की तरह फैलने के बाद कलेक्ट्रेट के बाहर हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर केवी राजेंद्र। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। पर अस्पताल जाने का दबाव बनाया। ऐसे में हालात को बेकाबू होता देख डीजीपी ने दक्षिण कन्नड़ जिले के एसपी को पुत्तूर में धारा 144 लागू करने का निर्देश दे दिया। इसके बावजूद लोग नहीं माने और प्रदर्शन जारी रहा। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में वहां के बाजारों में सभी दुकानें बंद नजर आईं। ऐसे में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। और ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸಂಯಮದಿಂದ ಇರಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು बताया जा रहा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता प्रवीण नेत्रू बेल्लारी में मौजूद अपनी दुकान को बंद करके घर लौट रहा था, तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार आरोपियों ने उस पर धारदार हथियार से कई वार किए। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद उसके परिवार में दुख की लहर दौड़ गई।